तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो टेस्ट लिस्ट्स होते हैं इनकी प्राइस सेटिंग कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, चाहे वो कंप्लीट ब्लड काउंट हो, सीबीसी हो, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो, और इनके अंदर भी जितने लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं जैसे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो चाहे वो लिस्ट ऑफ टेस्ट का प्राइस सेट कर दो या टेस्ट कैटेगरी का प्राइस सेट कर दो, तो ये सारी चीजें हम कैसे प्राइस सेट करेंगे इसके लिए आज हम कंप्लीटली सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर में बहुत ही इजी इंटरफेस होता है जहां से आप अपने लिस्ट ऑफ टेस्ट की प्राइस बहुत ही इजी वे में सेट कर सकते हैं। और इतना ही दोस्तों, प्राइस सेटिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी आसानी से इस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप टेस्ट रिपोर्ट भी जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी कोई क्लिनिकल लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, कोई पैथोलॉजी लैब है, तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। चाहे वो पैथोलॉजी लैब का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो या फिर क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग के लिए आपके पास ऑनलाइन पेशेंट्स आ सकते हैं, या फिर जिस भी एरिया में आपका लैब होता है वहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, जो लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, उसकी प्राइस कैसे सेट करेंगे। तो हमारे सामने क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लॉगिन पैनल ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर हम अपना एडमिन क्रेडेंशियल्स देंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पर हमने पासवर्ड एंटर किया है, अब यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हमारे सामने सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड यानी कि इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। और आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे प्राइस लिस्ट सेटिंग्स के बारे में, यानी कि टेस्ट में जो प्राइस लिस्ट की सेटिंग होती है उसके बारे में देखेंगे। और ये सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों इसके पहले कैसे हम पेशेंट की एंट्री करेंगे, पेशेंट का इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे, और फाइनली पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट कैसे निकाल करके देंगे यानी कि मेडिकल रिपोर्ट्स, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए आज हम लोग प्राइस लिस्ट सेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता ही कि प्राइस लिस्ट हर एक लैब का, हर एक पैथोलॉजी लैब का अलग अलग होता है, और यह आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम फोकस करते हैं ये टेस्ट के ऊपर, तो टेस्ट की जो प्राइस लिस्ट है उसे कैसे सेट करेंगे। तो देखिए जस्ट आपको यहाँ पर प्राइस लिस्ट में जाना होता है और इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, टेस्ट, कल्चर और पैकेजेस। यानी कि पैकेजेस के प्राइसिंग आप मैनेज कर सकते हैं, कल्चर्स के प्राइस आप मैनेज कर सकते हैं, और टेस्ट के प्राइस आप मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग टेस्ट का प्राइस मैनेज करेंगे। तो चलिए हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने टेस्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फैसिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा टेस्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप लिस्ट ऑफ टेस्ट को इम्पोर्ट करना चाहते हैं अपने प्राइस लिस्ट में, तो उसे आप डायरेक्टली इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ आप जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं विद देयर प्राइस, आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही एक्सेल पे क्लिक किया, यहाँ नीचे में डाउन साइड में ये एक्सेल में डाउनलोड होकर के आ रहा है। वैसे ही अगर हम चाहते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करना, तो हम पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पीडीएफ में डाउनलोड होकर के आ रहा है। तो एनीवे प्राइस सेट करना इस सॉफ्टवेयर में बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सबसे पहले टेस्ट ग्रुप का नेम आ रहा है, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर उसकी कैटेगरी आ रही है, लिस्ट ऑफ टेस्ट का जो कैटेगरी है यानी कि जो टेस्ट ग्रुप है वो उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। और हर एक ग्रुप में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सीबीसी है इसके अंदर भी अपना बहुत सारा पैरामीटर है, लिपिड प्रोफाइल का अपना पैरामीटर होता है, यूरिन बेसिक एग्जामिनेशन के अंदर लिस्ट ऑफ टेस्ट आते हैं। तो ये टेस्ट कैटेगरी वाइज जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट है इसकी क्या प्राइसिंग रखनी है यह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल सीबीसी का जो प्राइस है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपीज। अगर आप इसको 1000 करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 1000 पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सीबीसी हमारा यह है कंप्लीट ब्लड काउंट,
ये अलग है, एक कैटेगरी हेमेटोलॉजी में आता है और एक सेल्फ सीबीसी में आता है। अगर इसकी प्राइसिंग आपको 500 करनी है तो आप 500 कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल सीरम करके आ रहा है। अब लिपिड प्रोफाइल सीरम का जो कॉस्टिंग है यहाँ पर 5000 है, लेकिन अगर आपका लैब में इसकी प्राइस 1000 है तो हम यहाँ पर 1000 ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं, जितने भी, वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट रहते हैं, बस उसकी प्राइसिंग जो है वो आपको अपने पैथोलॉजी लैब के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो फिलहाल इसी तरीके से हम जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं उनके प्राइस को रिवाइज कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना आसान है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको लीवर फंक्शन टेस्ट आ रहा है, इसकी अगर आपको कोई प्राइस सेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट है, इसकी भी प्राइस आप सेट कर, थायराइड फंक्शन टेस्ट है। तो ये आप देख ही रहे, सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और ये आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सेट कर रहे हैं। इसी तरह से यूरिक एसिड का अगर आपका कोई फीस है तो वो आप सेट कर सकते हैं। फिर एक आता है रूमेटॉइड फैक्टर, अगर इसका कुछ आपको सेट करना है तो यहाँ से हम सेट करेंगे। ANA by ELISA, इसका अगर आपका कुछ ऐसा प्राइस है जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जितने चाहे उतने लिस्ट ऑफ टेस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे और सारी चीज़ों को अपडेट कर लेंगे। तो एनीवे अपडेट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना होता है। तो हम जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने एक मैसेज आ गया, टेस्ट प्राइसेस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर आपको कभी भी लिस्ट ऑफ टेस्ट को अपडेट करना है, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, तो आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं। तो प्राइस लिस्ट में जो टेस्ट को प्राइसेस सेट करना है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप B2B में बिजनेस करते हैं या फिर B2C में बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि कोई ऐसा पार्टी है या कोई ऐसे डॉक्टर है या आपका कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई आपका सेल्स रिप्रेजेंट है जो आपको बल्क में टेस्ट सैंपल्स ला करके देता है और आप उसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो उसके लिए भी आप अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मतलब समझ लेते हैं। आपको जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आप एक अपने लेवल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप एक अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं किसी भी B2B बिजनेस के साथ। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ प्राइस में डिस्काउंट या एक कस्टम प्राइस, दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इस चीज को समझिए कि आप एक पार्टी के लिए अलग प्राइस, किसी डॉक्टर के रेफरेंस से आ रहा है तो उसके लिए अलग प्राइस, पेशेंट सेल्फ आ रहा है तो अलग प्राइस, B2B में कोई आपके लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कोई आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको पेशेंट दे रहा है तो उसके लिए अलग अलग कस्टम प्राइस आप इस सॉफ्टवेयर में सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मैंने कोई एक टाइटल बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी के थ्रू, जैसे कि ये हमारा B2B बिजनेस के लिए है, किसी भी B2B बिजनेस में अगर हमारे पास कोई भी डिटेल्स आता है तो उसको अगर मुझे यहाँ पर मैनेज करना है प्राइस, तो देखिए वो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए B2B का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पर अगर आप कुछ कस्टम प्राइस देना चाहते हैं, जैसे CBC का यहाँ पर आप प्राइस देना चाहते हैं ओनली 200 रुपीज, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे मैनेज कर करके और भी अलग अलग जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पर आप पेज वाइज जा करके सबको सेट कर सकते हैं। या फिर एक अलग से उनका लाइक आप बना करके एक अलग से आप उनका डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, जैसे कि जितना भी प्राइस है उसमें आप एक डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज डाल सकते हैं। तो एनीवे मैंने कस्टम प्राइस डाला है और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स लेवल पे, अलग अलग टाइप्स पे भी आप अपने प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एनीवे जो हमने अपना प्राइस कस्टमाइज किया था उसमें हम चलते हैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट में, और प्राइस लिस्ट में हमारे सामने जो ये ऑप्शन आ रहा है टेस्ट का, हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो टेस्ट में हमने अपना प्राइस बनाया था यहाँ पे CBC का 1500 और यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल का 1000, तो इसमें एक जल्दी से हम लोग एक पेशेंट की एंट्री जो है उसमें हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट बना के देख लेते हैं और देखते हैं कि ये प्राइस वहाँ पर कैसे आता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिपिड प्रोफाइल का प्राइस 1000 है, तो अब यही लिपिड प्रोफाइल सीरम में पेशेंट की एंट्री में इनवॉइस जनरेट करूंगा तो वो वहां पर शो करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सीधे इनवॉइस पे जाना है, और इससे पहले पेशेंट की एंट्री अगर आपने एक बार कर ली है तो सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा फीचर है कि आपको दोबारा से पेशेंट की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपको इनवॉइस पे क्लिक करना है लाइक दिस।
अभी जैसे ही आपने इनवॉइस पे क्लिक किया आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लिस्ट ऑफ पेशेंट्स है जिसका इनवॉइस जनरेटेड है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेगा। नया इनवॉइस बनाने के लिए आपको जस्ट क्रिएट बटन पे यहाँ पर क्लिक करना होता है लाइक दिस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर या तो आप पेशेंट का कोड डाल सकते हैं या फिर पेशेंट का नेम डाल सकते हैं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में जब भी पेशेंट की एंट्री करते हैं तो आपका पेशेंट जो है वो एक बार में जैसे ही रजिस्टर्ड होता है उसका एक यूनिक कोड जनरेट हो जाता है। तो पेशेंट एक बार आ गया उसके बाद वो कभी भी आएगा तो आपको वो एंट्री नहीं करनी, जस्ट उस पेशेंट का नाम लिखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर तनवीर लिखा तो ये नेम यहाँ पर आ चुका है। अब इस नेम को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा इसका सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाता है, जैसे कि पेशेंट का कोड, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ आपके अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का जो प्राइस था वो था 1000 रुपीज, तो हम जल्दी से वही टेस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल सीरम सेलेक्ट किया है, अब मैं इसको जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए अभी यहाँ पे सब टोटल में आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है। अब मैं लिपिड प्रोफाइल सीरम जैसे ही सेलेक्ट करूंगा 1000 रुपीज आ जाएगा। जैसे देखिए इसकी प्राइस जो 1000 हमने सेट की थी वो आ गया है यहाँ पर 1000 सब टोटल, बहुत ही प्रॉपर वे में दिख रहा है। डिस्काउंट हमने कुछ नहीं दिया इसलिए 0 आ रहा है। तो हालांकि अगर आप डिस्काउंट यहां पर अगर देना चाहते हैं एट ए टाइम पेशेंट को तो देखिए मैं 100 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा तो ऑटोमेटिक यहां पर 900 आ जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। अभी पेड 0, उसने कुछ भी आपको पे नहीं किया इसलिए 0 आ रहा है, ड्यूज में 900 शो कर रहा है। तो अब क्या है दोस्तों कि हम जैसे ही इसका पेमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे उसके बाद ये जो यहाँ पे ड्यूज 900 शो कर रहा है क्योंकि हमने 100 का डिस्काउंट दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। और यहाँ पर पेमेंट मेथड्स भी बहुत ही प्रॉपर वे में काम करता है। जस्ट यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके पेशेंट ने आपको एडवांस में 400 रुपीज पे कर दिया है, यहाँ पर हम 400 टाइप करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे पेमेंट मेथड बहुत अच्छा रहता है कि आपको पता होता है कि पेशेंट ने आपको कैसे पे किया है, कैश, ऑनलाइन या क्यूआर कोड के थ्रू, तो आपको बस वो सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि पेड 400 रुपीज, ड्यूज 500 रुपीज। तो ये इस तरीके से भी प्रॉपर वे में काम करता है। तो आपने जो प्राइस में लिस्ट सेट किया था, जो वहां पे आपने प्राइस सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस जनरेट होता है, जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही प्राइस पे सेट करते देखिए यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाता है कि सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, इसका इनवॉइस जनरेट हो गया, बारकोड इसका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। और इस तरीके से ये पूरा इनवॉइस जनरेट होकर के आ गया। अब इस इनवॉइस को आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं अगर बारकोड प्रिंट करना है, और रिसिप्ट तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक किया ये हमारे सामने एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ गया है। और यहाँ पर देखिए रिसिप्ट में सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में आते हैं, जैसे पेशेंट का बारकोड, नेम, उसका एज, जेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट, सैंपल कलेक्शन डेट, सब कुछ प्रॉपर वे में आता है। और यहाँ पर आपको क्लियरली बताता है कि लाइक 1000 रुपीज टोटल प्राइसिंग थी, डिस्काउंट 100 रुपीज का है, टोटल अमाउंट 900 हुआ, और उन्होंने आपको 400 बाई कैश पे किया तो 500 उनसे लेना रह गया। तो ये पूरा रिसिप्ट आपका एक प्रॉपर वे में जनरेट होता है। और यहाँ हेडर में तो आपके डिटेल्स आते ही है, यहाँ पर आपका लोगो होता है, यहाँ पर आपका नेम होता है, लैब का, फोन नंबर, कंट्री, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आती है। और अगर आप अपना हेडर एंड फुटर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो करा ही सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि कितना आसान है, आसानी से हम अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो जाता है। अब जब आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लिस्ट ऑफ इनवॉइस में सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में बताता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस इनवॉइस को किसने क्रिएट किया है, वो बारकोड, पेशेंट कोड, पेशेंट नेम, कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई B2B प्राइस सेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे सब टोटल 1000 रुपीज, कोई डिस्काउंट हमने दिया था 100 का, टोटल अमाउंट 900, पेड अमाउंट 400 और ड्यूज 500। ये देखिए कितने प्रॉपर वे में बता रहा है। और यहाँ पर आपको क्रॉस मार्क आ रहा है क्योंकि ये टेस्ट रिपोर्ट अभी बनानी है। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही कि ये टेस्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट इसके लिए आपको क्या करना होता है कि लेफ्ट साइड में आपको मेडिकल रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत ही फास्टली एट ए टाइम आप टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करना होता है और एडिट रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑलरेडी हमने आपको पहले के वीडियोज में बताया हुआ है कि आप कैसे बहुत ही आसानी से टेस्ट रिपोर्ट
रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से एक टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट करके देखते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इनकी वैल्यूज को इनपुट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको रिजल्ट फिल करना होता है, तो चलिए हम फटाफट से एक रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आप रिजल्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे डालना है, आपको जस्ट यहाँ पे रिजल्ट एंटर करेंगे और बहुत ही फास्टली ये सॉफ्टवेयर आपका एक लिपिड प्रोफाइल का, जैसे अगर हम बना रहे हैं तो लिपिड प्रोफाइल का पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके यहाँ से आपको दे देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट हम फिलअप कर रहे हैं, इस रिजल्ट को अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर आ जाए, यानी कि दोस्तों क्या होता है कि आपने ब्लड सैंपल को अपने मशीन में डाला और मशीन में डालते ही उसकी जो रिजल्ट वैल्यू है वो आपको मैन्युअली एंटर ना करना पड़े, आप बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेसिंग वो वैल्यू डायरेक्टली आपके रिजल्ट में शो हो जाए, तो उसके लिए भी हम आपको इंटरफेसिंग का ऑप्शन देते हैं जिसको हमें LIS इंटरफेसिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट वैल्यू होता है, जो सैंपल आप डाल रहे होते हैं, तो उसकी रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करता है, तो उससे क्या होता है कि आपको ये वैल्यू मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा। एनीवे, ये वैल्यूज हमने डाला है यहाँ पर, जस्ट आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन आ रहा है, अगर आपको कुछ कमेंट ऐसा मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और जितनी फास्टली हम इस सॉफ्टवेयर में इनवॉइस जनरेट करते हैं उतना ही फास्टली आप देख सकते हैं कि आपका टेस्ट रिजल्ट भी सेव्ड हो चुका है, यानी कि ये टेस्ट रिपोर्ट बन चुका है। अब अगर इस पे आप डॉक्टर का सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो आप साइन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे या फिर आपके जो डॉक्टर होंगे उनका अपना लॉग इन पैनल होगा और वहां से भी वो डायरेक्टली यहां पर साइन कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए मैं साइन रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा, यह ऑटोमेटिक साइंड हो जाएगा, यानी कि इस पर निकल चुका है साइन। तो दो ऑप्शन होते हैं, आप टेस्ट रिपोर्ट को विदाउट डॉक्टर सिग्नेचर भी बना सकते हैं और विथ डॉक्टर सिग्नेचर भी बना सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सारे ऑप्शंस कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अलग अलग, जिसे हम मल्टी यूजर विथ डिफरेंट रोल्स कहते हैं, यानी कि आप अपने सारे स्टाफ के लिए, सारे ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग लॉग इन पैनल्स क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने तरीके से सारी चीजों को लॉग इन करेंगे। तो एनीवे चलिए हम इस टेस्ट रिपोर्ट को, यहां पर हम पेशेंट का इन्फो देख सकते हैं और फिलहाल हम चलिए यहां से टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप दो तीन चीज़ें आपके सामने आती हैं कि अगर आपके मल्टीपल लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। हमारा फिलहाल लिपिड प्रोफाइल सीरम था तो हम इस पर प्रिंट करते हैं। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना प्रॉपर वे में ये हमारे सामने लिस्ट ऑफ टेस्ट जनरेट होकर के आ गया है, यानी कि ये जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट रिपोर्ट हमने बनाया है इसकी जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वो आप जैसा ही वहां पे फिल करते हैं वो, या फिर LIS के थ्रू फिल करते हैं, वो आपका यहाँ पर प्रॉपर वे में शो करता है, उसकी यूनिट वगैरह सब कुछ आता है। और यहाँ पर पेशेंट का आप देख सकते हैं बार कोड जनरेट होकर के आ रहा है, पेशेंट की ID जनरेट होती है, पेशेंट का नेम, सब कुछ प्रॉपर वे में आता है। और इवन यहाँ पर आपको हेडर तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट फॉर्म में टेस्ट रिपोर्ट देना, पेशेंट का अपना फोटोग्राफ भी आए तो वो फोटोग्राफ भी आप अपलोड करके यहां पे डाल सकते हैं। यहां पर आपके लैब का नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, लोगो, सब कुछ प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है। और नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका QR कोड भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है और यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर तो है ही, तो जो भी सिग्नेचर आप सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे उसके बाद साइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो साइन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये विदाउट सिग्नेचर है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही रिपोर्ट पे तीन डॉक्टर के सिग्नेचर आए तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम फिलहाल आते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए हम मेडिकल रिपोर्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये हमारे सामने ग्रीन मार्क बनकर के आ रहा है, यानी कि ये रिपोर्ट बन चुका है, साइन हो चुकी है, किस डेट में, किस टाइम पे बना है, किस डॉक्टर ने साइन किया, सारा डिटेल आपको फ्रंट में ही बताता है, पेशेंट का नेम, एड्रेस, सब कुछ। और ये भी आपको बताएगा कि इस टेस्ट रिपोर्ट को किसने क्रिएट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल रिपोर्ट्स में मिल जाती हैं, सेम चीज़ें आपको इनवॉइस में भी मिल जाएगा। इनवॉइस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेशेंट का सारा डिटेल्स आता है, यहाँ पर आपका वो स्टेटस बता रहा होता है कि क्या उसका स्टेटस है, और यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इवन इस इनवॉइस को किसने क्रिएट किया है, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आती हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आप अपने पैथोलॉजी लैब में
टेस्ट कल्चर्स एंटीबायोटिक्स लेवल तक की चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से आप पेशेंट एंड डॉक्टर मैनेजमेंट, पेशेंट का रिसिप्ट निकालना, इनवॉइस जनरेट करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना, टेस्ट को मैनेज करना, प्राइस लिस्ट मैनेज करना, जो कि मैंने आज आपको बताया कि कैसे टेस्ट की प्राइस आप बहुत ही आसानी से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि यहाँ पर आप मल्टीपल ब्रांच भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं कि क्योर लिंक लैबोरेटरी आ रहा है, यानी कि एक ब्रांच है, अगर इस ब्रांच में आप नंबर ऑफ ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको ब्रांचेस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ब्रांचेस के भी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से जितने चाहे उतने मल्टीपल ऑफ ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इंटरनल चैट का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी स्टाफ हैं, ऑपरेटर्स हैं, सबका अपना अपना पैनल होगा, या फिर आप सिंगल इंडिविजुअली लैब रन कर रहे हो तो आपका अपना लॉगिन पैनल होगा, और अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं स्टाफ टू स्टाफ तो वो भी कर सकते हैं, मल्टी यूजर विद डिफरेंट रोल्स जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी ऑप्शन है, और पेशेंट होम विजिट का भी ऑप्शन है इसमें। तो होम विजिट का बेनिफिट क्या होता है कि आप अगर होम विजिट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड, सारा ट्रैक आप सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही मैनेज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको होम विजिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक पेशेंट का डैशबोर्ड भी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट खुद से लॉगिन करे और लॉगिन करके वो खुद से अपना रिपोर्ट डाउनलोड करे तो वो ऑप्शन है ही। इवन ये इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे अगर आप फ्रांस में चला रहे हैं तो ये फ्रेंच लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, अगर आप किसी गल्फ कंट्री में रन कर रहे हैं तो ये आपका अरेबिक लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज को तो ऑलरेडी ये सपोर्ट कर ही रहा है एनीवे। और इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन से इवन आपका स्टॉक इन्वेंट्री प्रोडक्ट सेल परचेज ये सारी चीजों को मेंटेन करता है, तो आपका लैब मैनेजमेंट के साथ साथ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री विथ स्टॉक सब चीजों को ये प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज एंड मैनेज कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहां पर यही बोलूंगा, अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। और वैसे भी आपके बिजनेस के लिए हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जहां से आप अपने सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। यहां पर भी आप पेशेंट एंट्री आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये जो है ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप अपने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। यहां पर आपके टेस्ट ग्रुप्स वगैरह प्रॉपर वे में आते हैं और यहां से भी आप अपने लिस्ट ऑफ टेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कराते ही हैं, जहां से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इवन हम डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जहां से आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी और आपका जिस लोकेशन में लैब है वहां पर हम डिजिटली आपको प्रमोट करके देते हैं, जहां से आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा आ सके, आप नंबर ऑफ पेशेंट्स तक ज्यादा पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स और विजिटर्स आपके लैब तक पहुंचे, या फिर अगर आप ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं जहां से वो ऑनलाइन बुकिंग कर सके तो वो सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर आपका पैथोलॉजी लैब है तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको प्राइस लिस्ट सेटिंग के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इवन आपको अगर इनवॉइस जनरेट करना हो, टेस्ट रिपोर्ट बनाना हो, ये सारी चीजें आपको समझ आई गई होंगी। ऑलराइट दोस्तों तो ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।